Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hira Rao from University of Education, Faisalabad campus. I'm recording this lecture on the behalf of Principal Teacher Dr. Muhammad Ibrar Ahmed, Department of History and Arts, Lower Mall Campus, University of Education, Lahore. Today our topic is Domestic Matters of Pakistan under Yahya Khan, 1969-71. And the main contents are Martial Law Declared, the Legal Framework Order, General Election 1970, Civil War in East Pakistan, Fall of Dhaka, Yahya Khan Resign. आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारा हमने यहिया खान का एरा उनका रजीम हमने डिस्कस करना है कि मार्शल्ला कैसे डिक्लेयर हुआ. अगर हम कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं कि मार्शल्ला हमारा डिक्लेयर कैसे हुआ उनके दौर में, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो उन्होंने दिया उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मेन फीचर्स उसके क्या थे, जनरल इलेक्शन जो हेल्ड हुए 1970 के अंदर उसकी क्या जो है वो उसके इन्फ्लुएंस हुए, उसके कॉजेज वो किस तरीके से जो है वो मेंटेन किए गए, सिविल वॉर उनके दौर में स्टार्ट हुई इस पाकिस्तान के अंदर उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, फॉल ऑफ ढाका हो गया ठीक है, और फिर यहिया खान का जो रेजिग्नेशन था, ये सारी चीजें आज हम जो है इसको ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर. सबसे पहले हम देखते हैं कि यहिया खान का जो मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ, इनका जो दौरे हुकूमत है वो 69-71 है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है. यहिया खान से पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे या पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट वो सर्व कर रहे थे वो अयूब खान थे, और अयूब खान का एक लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो पाकिस्तान की के अंदर जो है वो चला है, उनकी गवर्नमेंट के अंदर काफी सारे मेजर स्टेप्स लिए गए, मेजर जो है वो काम हुए उनके दौर में. लेकिन कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो गए, इस तरह के हालात बन गए कि अयूब खान के हाथ में इकतदार जो था वो उतना पावरफुल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना कि जिस वक्त उन्होंने मार्शल लॉ एक्सरसाइज किया था कंट्री के अंदर तब था. तो एटलीस्ट उन्हें जो है वो 26 मार्च 1969 यानी 26 मार्च 1969 के अंदर उन्हें रिजाइन करना पड़ा और अपना जो इक्तदार था जो गवर्नमेंट थी उसको हैंड ओवर करना पड़ा. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑलरेडी मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का दौर चल रहा था. अब चूंकि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर मार्शल लॉ के बारे में पढ़ा इसलिए आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज सॉरी मार्शल लॉ एंड व्हाट इज मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. तो ऑलरेडी मार्शल लॉ चल रहा था लेकिन फिर मार्शल लॉ के ऊपर मार्शल लॉ लग गया ठीक है, क्योंकि अयूब खान ने जो है वो अपना जो इक्तदार था उसको हैंड ओवर कर दिया यहिया खान को, और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने उस वक्त, उन्होंने पावर को अज्यूम किया और CMLA डिक्लेयर हुए, यानी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ही वो डिक्लेयर हुए. अब सॉरी अब थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर आपको मैं बताती चलूं कि जब भी मार्शल लॉ डिक्लेयर होता है स्टेट के अंदर तो वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे होते हैं ये उस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर होता है कि वो उनको एज इट इज चलने दे या एब्रोगेट कर दे या उनके अंदर कुछ चेंज ले आए. क्योंकि अयूब खान ने भी जब मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था 1956 के अंदर तो उन्होंने जब उनका जो है वो उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था तो उन्होंने भी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने खत्म कर दिया था. तो उसकी जगह पर उन्होंने 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लॉन्च किया. फिर जब यहिया खान आए तो चूंकि इनके पास भी ये इख्तियार था इन्होंने भी 62 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया. अच्छा साथ ही अयूब खान के दौर में उस वक्त बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम चला था, यानी बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, यानी अगर मैं आपको इजी वर्डिंग में इसके बारे में बताऊं तो ये निज़ाम जो था
बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी से पहले सेंटर, फिर उसके बाद प्रोविंस, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड देन तहसील एंड जो है वो उसके बाद फिर गांव, और फिर इस तरीके से यानी इक्तदार का जो है वो छोटी जो है वो इकाइयों के अंदर तकसीम हो जाना, ये सबसे पहले बरे सगीर के अंदर तो जो है ये 80s में 18 समथिंग के अंदर जो है वो, बल्कि 1880 में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो गया था, लॉन्च हो गया था। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको फर्स्ट टाइम जो है वो बाकायदा तौर पर अयूब खान ने डिक्लेयर किया था, इसको एक्सरसाइज जिन्होंने किया और बड़ा एक जामे सिस्टम ये बनाया था। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है कि बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम बेसिकली था क्या। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को याद होगा, इंटर की क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 80,000 जो है वो मेंबर थे और 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से एंड 40,000 बिलोंग्स टू वेस्ट पाकिस्तान, और फिर सारा उनके अंदर जो है वो इख्तियारात की तकसीम छोटे लेवल तक कर दी गई। ठीक है जी, तो बहरहाल इस सिस्टम को भी डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। और ये सारा कुछ इसलिए किया गया ताकि जो है वो आर्मी पीसफुली जो पावर है उसको ट्रांसफर कर दे सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है इस तरह के स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे थे। और उस वक्त फिर जो है वो यहया खान ने अपना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अनाउंस किया 28 मार्च 1970 के अंदर। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, ये आप कह लें कि एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का सेट था, या जो है वो आप कह लें थोड़ा सा जो है वो कुछ असूल और कवानीन थे कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ, के जिसमें जो है वो ये कहा गया था कि भई अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट होंगे, उनके लिए ये क्राइटेरिया होगा। और सॉरी जरा बच्चे, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तबीयत नहीं चूंकि ठीक, तो इसलिए बार बार डिस्टर्बेंस हो रही। अच्छा, अब इसमें था कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है ये मतलब थोड़े से कुछ कवानीन, कुछ असूल वगैरह इस तरह की चीजें, मतलब उन्होंने कहा जी हम पहले बनाएंगे अपने इलेक्शंस जो है उनको कंडक्ट करेंगे, उसके लिए ये कानून रखेंगे, सीटें मुकर्रर की गई और फिर जो है वो सीटों की तादाद इवन दैट के इलेक्शन की डेट वगैरह जो है वो कंफर्म कर दी गई। और ये फर्स्ट टाइम था कि 1970 के अंदर इलेक्शन हुए पाकिस्तान में LFO के अकॉर्डिंग, और ये पाकिस्तान के अंदर पहले बाकायदा जो है वो आफ्टर पार्टीशन इलेक्शन थे। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये क्या, अभी जो मैंने बेसिकली आपके साथ चीजें डिस्कस की कि डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर यूनिकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा जी सिंगल जो है वो हाउस के ऊपर सिंगल अवान नेशनल असम्बली होगा, इसमें सेनेट वगैरह नहीं था। यूनिकैमरल का मतलब यही होता है जिसमें मतलब एक अवान हो, सिंगल हाउस हो, ठीक है, मतलब नेशनल असेंबली थी उस वक्त हमारे, उस वक्त सेनेट नहीं था, सेनेट जाकर डिक्लेयर हुआ 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो अवान है ये दो हिस्सों में डिवाइड 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ है। तो एक तो इन्होंने ये कहा जी कि ये यहाँ पर सिंगल हाउस के अकॉर्डिंग ही होंगे इलेक्शंस, दूसरा इन्होंने कहा जी जो हमारी नेशनल असेंबली होगी ये 300 पर्सन के ऊपर यानी सीट्स के ऊपर कंप्राइज करेगी, जिसमें 150 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से होंगे एंड 150 जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से होंगे, इक्वल इनका जो है वो इनका तनासुब रखा गया। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी अगर इस LFO के अंदर ये लिखा था कि अगर जो है वो जो नेशनल असम्बली है, जो लेजिस्लेचर है, अगर ये 120 डेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कोई बना सकता, ठीक है, तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और फिर इसी तरह प्रेसिडेंट के पास भी ये फिर उसको पावर दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये इसका LFO था मेन इनके दौर में जो एक सामने आया। अच्छा जी, फिर इनके जो इराक के अंदर जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो ये था कि जनरल इलेक्शन कंडक्ट हो गए पाकिस्तान के अंदर, आम इंतखाबात हो गए 1970 के अंदर, इसमें 300 सीट्स थी नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है, और ये शेड्यूल जारी हुआ था अक्टूबर 1970 के अंदर, लेकिन फिर ये पोस्टपोन हुआ कुछ अरसे के लिए, उसकी कुछ रीजंस थी।
ठीक है, उस वक्त क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ टेंशन जो थी वो सामने आ रही थी, वो नजर आ रही थी, ठीक है, और कुछ जो है वो बस आप कह लें कि गॉसिप के अंदर कुछ मजाक रात के अंदर वो टाइम थोड़ा उसके अंदर लगा, पर फाइनली जो है वो दिसंबर 7 दिसंबर 1970 के अंदर ये फाइनल हो गया था, और फिर उसके बाद जो है वो इसको अनाउंस कर दिया गया कि इलेक्शन कंडक्ट होंगे। फिर एक रिफ्ट आया था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कि इलेक्शन कंपेन जो है वो उसको स्टार्ट कर दिया गया, और उसमें फिर जो है वो मेन अगर हम इलेक्शन के अंदर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह इसका तनासुब था कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैं आपके साथ ये कर्सर के जरिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि जैसे तनासुब लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज लिखी हुई हैं, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की क्या जो है वो सूरत हाल थी, और वेस्ट पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान के अंदर। अभी ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सिर्फ बंगाल के ऊपर मुश्तमिल है, और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर 4 प्रोविंसेस थे उस वक्त, सिंध, पंजाब, बंगाल और बलूचिस्तान और सरहद, ठीक है। तो ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे बेसिकली 1970 के, कि क्या इलेक्शंस जो है उनके रिजल्ट्स क्या सामने आए थे। अवामी लीग जो थी उसकी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 160 उसने जो है वो स्कोर की थी सीट्स, और फिर उसके बाद जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में इनके पास कोई नहीं था। पीपीपी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में 0 स्कोर कर पाई, और वेस्ट के अंदर ये 81 तक चली गई। फिर इसी तरीके से अदर पार्टीज भी थी कुछ, ठीक है, तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 2 सीटें स्क्योर की थी, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो 57 सीट्स थी। इस तरह टोटल 300 सीट्स बनती थी, 162 जो है वो उनको अचीव कर लिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग ने, और 138 जो है वो हासिल की थी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीपीपी ने जो है वो कुछ इस तरीके से इन्होंने सेट कर दी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि अगर तो हम रिजल्ट्स देखते थे तो जाहिर सी बात है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो अवामी लीग थी वो डोमिनेट हो रही थी, उनका जो है वो राइट बन रहा था, ठीक है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के अंदर चूंकि पॉलिटिशन या आप कह लें कि डेमोक्रेसी या आप कह लें कि जो उस वक्त जो पावरफुल पर्सन थे वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर थे, और स्पेशली जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जो के उस वक्त पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक था, और जो इन्हीं के जो है वो बनाई हुई पार्टी थी। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि या तो दोनों बैलेंस के अंदर इसको ले आए, या फिर जो है वो हमें ईस्ट पाकिस्तान को इकतदार हैंड ओवर करना उस वक्त मजबूरी बन गई थी। अब यहाँ पर कोई जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर रहे थे, और ना जो है वो एक दूसरे के साथ कोई जो है वो मुजाकरात या फिर जो है वो कोई भी किसी भी किस्म के जो है वो उनकी आपस में बातचीत मुजाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन जो है वो एक फाइनल जो एक आप कह लें कि पॉइंट था वो सामने नहीं आ रहा था इन इलेक्शंस की वजह से। इलेक्शन तो हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब इलेक्शन के बाद क्या सिस्टम होगा, जिस तरह के अलर्ट को में लिखा गया था कि इलेक्शन पीसफुली हो जाए तो जो गवर्नमेंट है वो सिविलियन को हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब किन को हो, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी को हो या स्ट्रॉन्ग पार्टी को हो, ये चीज अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हो रही। अच्छा, आगे चलते हैं इसमें फिर। अब जब ये सारा काम हो रहा था इलेक्शन की वजह से, पब्लिक के अंदर भी जो है वो अग्रेशन फैल रहा था, पब्लिक के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की का ध्यान, उनके ऊपर जो वर्किंग होती है, डेवलपमेंट होती है, सारे कुछ रुका हुआ था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सिविल वार जो है वो शुरू हो जाती है। अब सिविल वार कहते हैं खाना जंगी को, मतलब जिसमें जो है वो कंट्री जो है या आपका जो मुल्क है या स्टेट है जो वो धड़ों में बंट जाती है, आपस में लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक और प्रोविंसेस आपस में, यानी मुल्क के अंदर ही जो है वो अगर इंटरनल हमारे जो है वो हालात खराब हो जाए तो उसको जो है वो हम खाना जंगी बोलते हैं या सिविल वॉर बोलते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल जो है वो इस चीज को करने के लिए, ठीक है, एक ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे इन सबको मेंटेन करने के लिए जो न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली थी उसका जो इनॉग्रल सेक्शन था, ठीक है, जो इनॉग्रल सेशन था मतलब जो इफ्तिताहिया उसका था, उसको शेड्यूल किया गया था 3 मार्च के अंदर, और
जुल्फकार अली भुट्टो ने यहाँ पर काफी जो जरा स्ट्रिक्टनेस यूज की थी, स्ट्रिक्टनेस जो है वो की उनके ऊपर, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यूज की कि भाई ये जो नेशनल असेंबली के अंदर जो भी उस वक्त उनके इलेक्टेड डेलीगेट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो कोई भी जो है वो 3 मार्च को जो है वो कोई भी इसका सेशन अटेंड नहीं करेगा, बल्कि इसका जो है वो क्या उसको कहते हैं, इसका बाइकआउट करेंगे। अगर कोई इस तरह की जरूरत करेगा तो फिर उसके साथ वो मारपीट वाला सिलसिला जो है इस तरीके से ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जब जुल्फिकार अली भुट्टो का इस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा था, ठीक है, और उन वो अपनी जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था नेशनल असेंबली का, और अपने किसी भी पर्सन को उन्होंने कहा था कि भैया आपने नेशनल असेंबली के अंदर जो भी सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है, जो भी सेशन है, उसको आपने बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना, ठीक है, वरना जो है वो आगे मतलब धमकी अमेज इस तरह की चीजें रवैया आ रहा था सामने। तो इस वजह से जो उस वक्त फिर सेशन होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, एक जो है वो नेक्स्ट उसकी टाइम डिसाइड होने तक। अच्छा, फिर बहरहाल 15 से 24 मार्च तक जो है इनकी आपस में निगोशिएशंस होती रही। शेख मुजीबुर रहमान जो कि उस वक्त अवामी लीग के हेड थे, और जैडे भुट्टो जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के हेड थे, ढाका के अंदर इनकी जो है वो आपस में बातचीत होती रही, इनकी निगोशिएशंस होती रही, लेकिन बहरहाल किसी भी किस्म का इसके अंदर जो है वो रिजल्ट्स नहीं सामने आए। कोई मुजाकरात जो थे वो फाइनल डिसीजन इसको नहीं ले सके, और मजीबुर रहमान की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि पावर जो है वो उनको ट्रांसफर की जाए, ठीक है। इसके लिए स्ट्राइक्स हो रही थी, डिमॉन्स्ट्रेशंस पूरे जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे, और फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो अपना कंट्रोल खो रही थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। यानी यहिया खान उस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर थे, जो सॉरी पावर के अंदर थे, उनके हाथ से हालात जो है वो नहीं कंट्रोल में आ रहे थे, उनसे चीजें नहीं मैनेज हो रही थी, ठीक है। ना तो जुल्फकार अली भुट्टो किसी पॉइंट पर जो है वो आने को तैयार थे, मतलब जो उनके मुतालबात से वो उनसे पीछे नहीं हट रहे थे। मजीबुर रहमान ने अपने मुतालबात किए हुए थे कि वो एक 6 अनुपाती फार्मूला उन्होंने दिया था कि भाई ये पावर इनको ट्रांसफर की जाए, इतना बजट मुकर्रर किया जाए, इस तरह की चीजें। तो बहरहाल ये जो 15 से 24 मार्च तक जो इनकी नेगोशिएशंस हुई हैं वो सारी की सारी जो है वो फेल हो रही थी, ठीक है। और ये जो चीज थी, मतलब ये फिर पब्लिक के ऊपर डायरेक्ट असर कर रही थी। इसके ऊपर काफी सारे हिस्टोरियंस जो हैं, काफी सारे आर्टिकल जो है उनके अंदर लिखा हुआ है कि भाई ओपनली एक वो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई एक ऑर्गेनाइज पोलिटिकल जो है वो कन्वर्सेशन चल रही है, या इस तरह के जो है कुछ सियासी तहफात चल रहे हैं, बल्कि काफी सारी इसके ऊपर जो है वो अजीबो गरीब किस्म की जो है वो बातें शुरू हो गई थी। और बहरहाल इस पे थोड़ा सा जो है वो कुछ आर्टिकल्स के अंदर मिलता है कि भाई यहया खान ने जो है वो ऑर्डर कर दिया था कि फिर मजीबुर रहमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। अब गिरफ्तार करने का भी उसको थोड़ा सा जो है वो मजीद आप कह रहे हैं कि एक अलग से ही जो है वो एक चीज थी कि उसको जो है वो बुलाया गया इधर इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग के लिए कि मुजाकरात करते हैं, उसको दावत दी गई, वो इस पाकिस्तान से इधर आया, उसको उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब गिरफ्तार कर लिया था तो फिर थोड़ा सा और हिम्मत का काम करते, और कोई किसी ना किसी नतीजे तक जो है वो फाइनल रिजल्ट तक यहया खान पहुंच जाते, लेकिन उस वक्त प्रेशर इतना हो गया, इतना ज्यादा पब्लिक के अंदर जो है वो गम गुस्सा और इस तरह की चीजें फैल गई, तो फिर जो है वो यहया खान को रिलीज करना पड़ा, और सॉरी उनको जो है मुजीबुर रहमान को छोड़ना पड़ा। मुजीबुर रहमान ने फिर जाके इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया ईस्ट बंगाल के अंदर, उसकी वजह से जो उस वक्त तनाव चल रहा था, उस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही थी वो मजीद बड़ी, तो हालात जो थे वो यहया खान के कंट्रोल में नहीं रहे। यानी वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो भी उस वक्त पावरफुल अनासर थे, उन लोगों को किसी एक पॉइंट तक इकट्ठा करने में नाकाम रहे। उन्होंने काम मतलब जो उन्होंने बात की उसको तो उन्होंने पूरा किया है, लेफ्ट को दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एब्रोगेट करने का उन्होंने कहा जी बना लेंगे तो ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक नौबत ही नहीं आ रही थी कि जो इलेक्शन एक करवाए थे इस गवर्नमेंट ने, वो ही उनसे जो है वो संभाले नहीं जा रहे थे, कि दोनों जो विंग थे उस वक्त मुल्क के वो ही किसी पॉइंट पर जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे थे, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पर थी कि इन्होंने ये चीज बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर दी थी कि जो हाउस बनाया था, जो नेशनल असेंबली थी, उसको 300 मेंबर्स के अंदर इन्होंने
जो है वो कर दिया कि भाई 300 मेंबर हैं, ठीक है 150 उधर से और 150 उधर से, तो 313 भी इनका जो है वो आता है। अच्छा, फिर उसके बाद सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान, जैसे इसमें यही वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। अब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है एक मजीद सामने, एक तो यही बड़ी टेंशन चल रही थी कि मुजीबुर रहमान लोगों को बगावत पे उकसा रहा था, ठीक है लोग पब्लिक डायरेक्ट बगावत पे जो है वो उतर आई थी, तो एक वहां पर एक लिबरेशन आर्मी या लिबरेशन फोर्स खुद से जो है वो बंगाल के अंदर जो है वो दुश्मन अनासर जो थे मुल्क दुश्मन अनासर, उन्होंने बना दी, उसको मुक्ति बानी फोर्स भी कहा जाता है। ये वैसे ही बंगालियों ने अपनी एक वॉलंटियर एक फौज बनाई हुई थी, ठीक है जिसमें जो है वो राइटर्स लिखते हैं कि जिसको ट्रेन जो है वो इंडियन आर्मी कर रही थी, और वो लड़ रहे थे जी ईस्ट पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे थे, और लड़ किससे रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान से और आर्मी से, ठीक है जी। और फिर इसको जो है वो बल्कि उन्होंने नीचे लिखा हुआ इट कंसिस्टेड द बंगाली मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मर फोर्सेस एंड सिविलियन फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है मतलब बंगाल के जो लोग थे आर्मी के अंदर वो इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे, और फिर ईस्ट पाकिस्तान के काफी सारे सिविल जो लोग थे वो शामिल हो गए थे, और इंडिया जो था इनको इकोनॉमिकली मिलिट्री और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो थी मुक्ति बानी को, ये सारी की सारी जो है वो इनको दे रहा था, ठीक है मतलब इस हद तक टेंशन क्रिएट हो गई थी गवर्नमेंट को लेके कि ईस्ट बंगाल के अंदर एक अलग से फोर्स बन गई, और उस फोर्स को मुकम्मल तौर पर जो सपोर्ट हासिल थी वो इंडिया की थी, चाहे वो सोशली थी, चाहे वो इकोनॉमिकली थी, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से थी। तो इन्होंने बाकायदा इस ऑपरेशन को एक नाम दे दिया था, लीडिंग वेस्ट पाकिस्तान टू लॉन्च ऑपरेशन चंगेज खान, ठीक है मतलब बाकायदा तौर पर इन्होंने काजी वेस्ट पाकिस्तान के जो मतलब हैं ये ऑपरेशन कर रहे हैं चंगेज खान, मतलब ये वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा जुल्मो ज्यादती करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस नहीं रख पाती, तो बहरहाल इस तरह की जो चीजें थी वो सामने आ रही थी। अच्छा, फिर इसके अंदर सिविल वॉर के अंदर एक और जो मजीद चीज हो जाती है वो ऑपरेशन सर्च लाइट, उस वक्त स्टार्ट हो गया ऑपरेशन सर्च लाइट जो था, ये 26 मार्च 1971 को जो था वो हुआ, ये था कि बांग्लादेश ने जो है यानी जो हमारा सूबा बंगाल था उन्होंने 26 मार्च 1971 को अनाउंस कर दिया जी, मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने अपने घर की छत पे वो झंडा लहरा दिया कि आज से ये बांग्लादेश है और ये हमारा अलग मुल्क है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब ये खुली बगावत थी किसी भी, अब जाहिर सी बात है वो उस वक्त पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा था, और ये जो है वो इस स्टेट कोई भी जो है वो अपने किसी प्रोविंस के अंदर इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको नहीं ओन करती, ठीक है तो बहरहाल इसको रिस्टोर किया गया अथॉरिटीज की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और आर्मी क्रैकडाउन कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे स्पेशली जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी में जो है ना वो ये इसका मेन गढ़ बनाई गई थी। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये था उस वक्त के ढाका यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी जो फैकल्टी थी, ठीक है वो हिंदू थी, तो उन्होंने वहां पर जो पब्लिक थी, जो स्टूडेंट्स थे, यंग ब्लड था, ठीक है यंग जनरेशन थी, उनके जहनों को जो है वो बंगालीज़म सिखा दिया कि भई आप जो है वो बंगाली हैं, आप सेपरेट हैं, आपका सेपरेट एक जो है वो आइडेंटिटी है, उनकी सेपरेट है, इस तरह की चीजें। जाहिर सी बात है ये टीचर के हाथ में होता है कि वो अपने बच्चों को क्या गाइड कर रहा है, क्या फीड कर रहा है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है बच्चे टीचर्स की बात को ओन भी करते हैं, मानते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वो बस इसी चीज की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स ने काफी इसके ऊपर, जो यंग ब्लड थे, यंग जनरेशन थी, उन्होंने काफी इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन शो किया, और मेन जो गढ़ था लिबरेशन फोर्स का वो यही ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो बनी हुई थी, तो फिर इसीलिए इसको मेन टारगेट किया गया था। अच्छा, उस वक्त जो मेन लीडर्स थे अवामी लीग के, उनमें शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इनको फिर अरेस्ट किया गया, जाहिर सी बात है अब जो है वो एक मुल्क हमारे एक हिस्से ने जो है वो बाकायदा ऐलान बगावत कर दिया था, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया उस वक्त जो यहया खान की गवर्नमेंट थी, इन्होंने फिर क्या स्टेप लिया कि इन्होंने आर्मी के हवाले किया सारा सिस्टम, और साथ जो है उनको हालात को मामूल पर लाने के लिए कहा, लेकिन मसला ये हुआ कि आर्मी की वजह से या इस ऑपरेशन की वजह से हालात जो थे वो मजीद कंट्रोल से बाहर हो गए,
बच्चे एक बात जहन में रखें, हमेशा वही आर्मी जंग जीती है जिसकी बैक पर उसकी अवाम की सपोर्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली 1971 की जो वार थी, वो पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो उसको नहीं जीत सके, उसको लॉस्ट कर दिया, ठीक है। उसकी रीजन ये थी कि 71 की जो वार थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, चूंकि ये मेन था, वहां पे लड़ी जा रही थी, वहां हमारी पब्लिक ही आर्मी के खिलाफ हो गई थी, ठीक है। तो आर्मी का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो उसकी पब्लिक की सपोर्ट होती है, तो इसलिए जो है वो आर्मी का काफी जो है वो वहां पर मोराल डाउन हुआ। जब अपनी पब्लिक खिलाफ हो गई तो वो क्या कर सकते थे, अपनी पब्लिक को तो नहीं मार सकते थे। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर भी जो है वो सेक्रीफाइस किया और उनको जो है वो सरेंडर बहरहाल होना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारी जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी। अब ये जो सिलसिला था अभी ये चल रहा था, ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट चल रहा है और ईस्ट पाकिस्तान में अपने फसादात पूरे अरूज पर हैं, यहिया खान के कंट्रोल में नहीं जो है वो हालात आ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मुजीबुर रहमान और जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं ये बिल्कुल भी किसी एक पॉइंट पे नहीं आ रहे, तो अब होता क्या है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ये 15 दिसंबर को इन्होंने एक डिप्लोमेटिक विजिट किया था अमेरिका का, ठीक है। और वहां पर इन्होंने जाके एक स्पीच की यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के आगे, जो उन्होंने कहा जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ढाका फॉल होता है, ठीक है, हमारी तरफ से पूरा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान फॉल होता है या वेस्ट पाकिस्तान फॉल होता है, हम एक, उन्होंने कहा जी हमें ये हालात से जो है वो, मुझे इनसे कोई कंसर्न नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया पाकिस्तान बिल्ड करूँ जिसका फ्यूचर भी बेटर हो, ठीक है। और उसके लिए जो है वो कहता है हम वी विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स, मतलब उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान बनाया पहले इतने सालों की मेहनत से, ठीक है, अब मजीद इसको बेहतर करेंगे। इस तरह की जो है वो सिचुएशन पहले भी बनती रही है, हमने लेकिन उसको डील किया, तो मजीद आगे भी हम इसको डील करेंगे। लेकिन उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं जानते थे कि ये जो टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी हुई है, इसका जो रिजल्ट है वो किसी ना किसी गलत, आप कह लें कि डायरेक्शन के अंदर ही सामने आएगा। अच्छा जी, बहरहाल अवाउंड दैट स्टिल हर्ट्स, ढाका फॉल हो गया, ठीक है, सकूते ढाका हो गया, बंगाल अलहदा हो गया, इस चीज को हमें ओन करना पड़ा। उसकी रीजन ये थी कि पहले तो सिर्फ लिबरेशन आर्मी यानी मुक्ति बहानी की जो एक उन्होंने फोर्स बनाई हुई थी वही जो है वो अभी तक पाकिस्तान आर्मी, चूंकि वहां पर हालात को कंट्रोल करने के लिए गई हुई थी, तो आगे से सिर्फ पब्लिक की रेजिस्टेंस शो हो रही थी। लेकिन 21 नवंबर को इंडिया ने भी अटैक कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी है, मतलब जो हमारा बंगाल का सूबा था उन्होंने क्या किया कि इंडियन आर्मी से हेल्प ले ली, ठीक है, अवामी लीग ने जो है उनकी वो सपोर्ट के लिए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के उस हिस्से पर अटैक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारी वहां पर मिलिट्री स्ट्रेटजीज फेल हो गई सारी की सारी, और इंडिया ने इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जगहों पर जो है वो अटैक किया। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को जो है वो, मैंने आपको पहले बताया कि जब पब्लिक का सपोर्ट नहीं था, ठीक है, तो वहां पर आर्मी जो है वो जंग नहीं लड़ सकती थी, तो फिर आर्मी को जो है वो सरेंडर होना पड़ा। पाकिस्तान आर्मी उस वक्त 93 और 96,000, ये दो डिजिट्स आते हैं, तो इतने ट्रूप्स जो थे वो लड़ रहे थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी पुलिस और बहुत सारे वॉलंटियर शामिल थे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो 93,000 लोग थे ये पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर हो गया, और इनमें ऑलमोस्ट जो है वो 56 to 58,000 जो लोग थे वो पाकिस्तान आर्मी से थे जो उस वक्त जंगी कैदी बने, ठीक है। वो बाद में इंडिया ने जो है वो, ये बहुत बड़ी तादाद थी चूंकि ये जंगी कैदियों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे ज्यादा तादाद थी, तो फिर इंडिया ने इन कैदियों को छोड़ दिया, इनको रिलीज कर दिया, लेकिन 1974 तक, और वो भी भुट्टो ने बाद में माहदा किया था कि ठीक है भाई हम बांग्लादेश को जो है वो, ये शिमला माहदा 72 में जाके हुआ था कि हम, ठीक है जी हम बांग्लादेश को मानते हैं, ऑन करते हैं, लेकिन आप हमारे जितने कैदी हैं पहले वो वापस करें। बहरहाल ये सारा जो चक्कर था जो अयूब खान के दौर में जो शुरू हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन क्रिएट होना शुरू हुई, हालात, उसकी रीजन थी बहुत सारी कि बजट प्रॉपर नहीं, उनकी डिमांड थी कि हमें बजट प्रॉपर मिले, हमें ज्यादा सीट्स मिले, हमारी लैंग्वेज को प्रमोशन मिले, ये सारी चीजें आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं।
तो वो जो टेंशन चल रही थी उसको यहया खान ने अपने तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन कमजोर स्ट्रेटजी और कब जो है वो आप कह लें कि वीक प्लानिंग, ठीक है, इसकी वजह से ये नहीं ओवरकम कर पाए और बिलाखर पाकिस्तान जो है वो 71 में दो लख्त हो गया, ठीक है। और एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कुर्सी को पाने के लिए कुर्सी के पाए ही तोड़ दिए, तो ये काम उस वक्त हुक्मरानों ने किया। बहरहाल फिर बांग्लादेश के अंदर जो है वो बंगाल जो था वो अलग कंट्री डिक्लेयर हो गया बांग्लादेश, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर फिर पीपी की जो है वो हुकूमत आ गई और यहिया खान ने जो है वो, अच्छा भुट्टो का यहाँ पर यही था उन्होंने कि 20 दिसंबर 1971 को यहिया खान ने फिर रिजाइन कर दिया और जो पावर थी ये ट्रांसफर हो गई जेडे भुट्टो को, यानी जुल्फकार अली भुट्टो को, ठीक है। उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी इनको कहा जाता है, ठीक है, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का हरगिज ये मतलब नहीं कि उस बंदे का ताल्लुक सिर्फ आर्मी से ही हो, ठीक है, वो कोई भी पावरफुल पर्सन हो सकता है, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। बहरहाल मुजीबुर रहमान वाज डिक्लेयर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, तो ये इनके दौर का जो है वो एंड हुआ। और इसमें जो था अब ये कुछ इसके आफ्टर मत दिए हुए कि 2008 जो है वो ब्रिटिश मेडिकल इन्होंने एस्टिमेट किया था कि इतने लोग सिविलियन के अंदर, मतलब इतने लोग मारे गए, 269,000 के करीब जो है वो सिविलियन मारे गए, 58,000 के करीब जो है वो ये मतलब बने आर्मी के लोग कैदी बने, ठीक है, डिफरेंट मतलब इन्होंने फिगर्स दे दिए, 3 लाख के दौरान जो है वो इन्होंने कहा जी ऑफिशियल्स ने कि ऑलमोस्ट बांग्लादेश के अंदर जो एक मतलब एस्टिमेट लगाया गया उन्होंने कहा जी 3 लाख मारे गए। बहरहाल ये सारी जो भी सिचुएशन हुई ना इसके ऊपर फिर जो है वो एक बाकायदा तौर पर कमेटी बैठाई गई थी, उसने अपनी पूरी रिसर्च की कि कहाँ कहाँ पर किस किस की तरफ से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, और जो इस रिपोर्ट को हेड कर रहे थे जिन्होंने ये पूरी एक रिपोर्ट बनानी थी तो उन जो है उनका नाम हमूद रहमान था, इसलिए इसका नाम भी जो है वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट ही रखा गया। तो बहरहाल उन्होंने फिर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया पूरा इस कमेटी ने, ठीक है। अब हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर एक अलग से जो है वो लेक्चर प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये पूरा एक उन्होंने वो बना के रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के आगे रखी और उसके अंदर जो है वो उन्होंने सिर्फ 26,000 सिविलियन का जो है वो जिक्र किया, ठीक है, और उन्होंने पूरी इसके अंदर जो है वो कॉजेज बता दी कि भाई ये जो है वो इतने लोग मारे गए इसके अंदर, ये ज्यादा कसूरवार थे और ये जो है वो कैदी बने, ठीक है, पूरी डिटेल इसके अंदर पड़ी हुई। और ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आपको नेट के ऊपर भी मिल जाएगी, ये उर्दू में भी है और ये इंग्लिश में भी है, ठीक है। बहुत अरसा इसको हाइड रखा गया, बाद में फिर इसको पब्लिश कर दिया गया, तो आपको अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक बड़ा गोल्डन सा जो है वो कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स, ठीक है जी। बहरहाल बंगाली जो पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हुई, ठीक है, और उसकी वजह से फिर हमारी आर्मी जो है वो उनको सफर करना पड़ा, सरेंडर होना पड़ा, ठीक है, सिविलियंस भी थे बहुत सारे उसमें। बहरहाल इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट जो है वो 1972 के अंदर तकरीबन जो है वो 7,50,000 जो बिहारी थे उन्होंने लेफ्ट किया बांग्लादेश को और वापस चले गए बिहार के अंदर के भाई, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान बना था तो हम पाकिस्तान नहीं थे, हम पाकिस्तान का हिस्सा बने थे, ना कि हमने बांग्लादेश के लिए हिजरत की थी। बहरहाल इस तरह की काफी सारी स्टेटमेंट्स आई। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लें और अपने हमारे मुल्क को जो है वो और हम सबको जो है इस वबा से महफूज रखें। आमीन। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।